ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उससे क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो आपको कल के लिए एक हेल्प हो सकते है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सको। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या है कि हम इंडिकेटर पे पूरी एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में स्ट्रेटेजी के ऊपर सीरीज बनाएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो बाद में हम प्राइज एक्शन भी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको लर्निंग करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बाद में कल के लिए डिस्कस करेंगे। तो आज क्या हुआ था, आज जैसे ही मार्केट में ओपन हुआ, थोड़ी क्या है कि गैप अप ओपन हुआ, बाद में थोड़ा अप जाने के बाद जो हमारा क्या है कि जोन था, जो रेजिस्टेंस जोन था, वहां से ये नीचे आ गया। तो हमारी एंट्री इधर से होती, क्योंकि मैंने कल ही बोला था अगर ये रेजिस्टेंस जोन से नीचे आएगा या रेजिस्टेंस जोन के कहीं बीच में भी अगर ये नीचे आने के कोई सिग्नल देगा तो मैं इसमें शॉर्ट करूंगा। तो इधर से हमारी क्या है कि सेल साइड एंट्री थी, बाद में अगर ये नीचे आ गया। अब देख लेते कल क्या हो सकता है। देखो कल फिर से वही है कि ये देखो हमारी क्या है कि एक लाइन के आसपास से, तो वो लाइन हम बीच वाली लाइन रखते हैं। अगर ये निफ्टी इसके अबव ओपन हुआ तो बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। अगर ये हमारे फिर से रेजिस्टेंस जोन के आसपास से फिर से रिवर्सल दे देता है तब हम इसमें क्या है कि बियरिश मोड में आएंगे। अगर ये क्या है कि मान लेते कि थोड़ा डाउन चला जाता है, अगर डाउन जाने के बाद ये जो हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन है, ये लाइन जो दिख रही है ना आपको, अगर ये इसके आसपास, देखो इधर कहीं आपको क्या है कि फिर से रिवर्सल साइन देखने को मिल जाए ऊपर की साइड का, तब हम इसमें बाई साइड आएंगे। और इसके नीचे चला जाता है शायद, चलो मान लेते कि और इसके नीचे चला जाता है, अगर ये इस लाइन के आसपास जो 11,850 वाली लाइन है जो हमारे सपोर्ट की तरह वर्क करने वाली है, अगर ये इस लाइन के आसपास से रिवर्सल देने के बाद अपसाइड के मूव देता है तब हम उसमें बाय साइड आएंगे। तो ये था मेरे लिए कल का मेरा होमवर्क, कहाँ मैं बाय साइड आ सकता हूँ, कहाँ मैं शॉर्ट साइड जा सकता हूँ। लेकिन देखना पड़ेगा, अगर लाइव मार्केट में आपको कुछ और भी दिख रहा है तो उसको एडिशनली करना होता है। आपको क्या है कि एक दिन पहले से देखना पड़ता है कहाँ आप बाय साइड जाएंगे, कहाँ शॉर्ट साइड जाएंगे, उसके हिसाब से होता है तो ठीक है। अगर नहीं होता तो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कैसे मैं और कहाँ से मैं एंट्री लूँ, समझ गए। तो इन सिंपल मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मेरा पूरा जोन ही है 11,950 से लेके 11,917 तक। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मेरा पहला सपोर्ट, अगर ये मेरे लाइन अप्रोक्स में बोलता हूँ तो 11,875 के करीब आती है। अगर मैं इसका दूसरा सपोर्ट निकालूँ तो 11,850 पे आएगा। अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो मेरा तीसरा सपोर्ट होगा वो 11,800 होगा। तो ये थे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए, देखते हैं कल निफ्टी में क्या होता है। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो इसमें भी सेम है, हम क्या है कि आज का परफॉर्मेंस देखेंगे, बाद में कल क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो उसमें भी सेम है, अगर मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा अपसाइड मूव दिया, बाद में ये मेरे रेजिस्टेंस जोन में था तो मैं इसमें एंट्री नहीं ले सकता था। बाद में रेजिस्टेंस जोन में से जैसे ही इसने मेरे को डाउन साइड दी तब हमारी इसमें एंट्री हुई थी, इसमें हमारी एंट्री हुई थी ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास से। बाद में हमारे टारगेट थे जो ये गैप फिलिंग था, वही हमारा टारगेट था कि ये जो लाइन है जो 31,000 के आसपास, वही हमारा टारगेट था। जैसे ये टारगेट अचीव हुआ तो हम सेकंड टारगेट के लिए वेट नहीं किए, निकल गए। तो अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं कल की बात करूँ तो हो सके तो जो हमारा बैंक निफ्टी है वो क्या है कि ओपन हो सकता है ग्रीन में, शायद वो हो ना हो कल पे डिपेंड है, लेकिन मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी कल क्या है कि ग्रीन में ओपन हो सकता है, बुलिश ओपन हो सकता है। बुलिश ओपन होने के बाद अगर ये फिर से मेरे रेजिस्टेंस जोन के आसपास से रिवर्सल दे दिया तब मैं शॉर्ट आऊंगा, वो तो पक्का है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जोन में कंसोलिडेट करके कोई पैटर्न बना के अगर मेरे को अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो मैं इसमें बाय साइड प्रॉपर जाऊंगा, मैं बाइंग करूंगा तब। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जोन से रिवर्सल साइन देके नीचे आ गए तो मैं शॉर्ट में जाऊंगा। ये हो गया पहला सिनेरियो। और दूसरा देखते, अगर कल बैंक निफ्टी डाउन साइड मूवमेंट दिया मॉर्निंग में, अगर ये डाउन साइड मॉर्निंग में मूवमेंट देता है और बाद में अगर ये 30,900 के आसपास से अगर मेरे को रिवर्सल साइन देता है अपसाइड जाने के, तब मैं बाय में आ सकता हूँ। बाद में अगर मैं इसके नीचे जाऊँ, ये जो है हमारी क्या है कि राइजिंग सपोर्ट लाइन, इसके आसपास से अगर मेरे को क्या है कि अपसाइड जाने के मूवमेंट के चांसेस मिले तब मैं बाय कर सकता हूँ।
और इसके नीचे तो हमारा क्या है कि सपोर्ट जोन है। जो जोन है वो ये आप देख लीजिए, 11,800 से लेके 11,750 के आसपास करीब है। हाँ वही है, 11,800 से लेके 11,750 तक हमारा क्या है सपोर्ट जोन है। तो वहाँ क्या है कि अगर सपोर्ट जोन के पास भी मेरे को एंट्री मिलती है तब मैं उसमें बाइंग करूंगा। इन सिंपल, अगर कल मार्केट ऊपर गया और इस जोन के आसपास से मेरे को रिवर्सल मिला तब मैं शॉर्ट में आऊंगा। अगर इस जोन के आसपास कंसोलिडेट किया, कोई पैटर्न बनाई और अपर्स की साइड का कोई ब्रेकआउट दिया तब मैं बाइंग में जाऊंगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो अगर ये मेरे इस लाइन के आसपास से क्या है कि बाइंग के सिग्नल देते हैं जो है 30,900, तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। उसके नीचे जाएगा इस लाइन के आसपास या इस जोन के आसपास से मेरे को बाइंग का सिग्नल मिलता है अपसाइड जाने का, तब मैं बाइंग में आऊंगा। जो जोन है वो 30,800 से लेके 30,750 तक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो 31,100 से लेकर 31,200 तक है। हम सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 30,900 होगा और जो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा वो जोन की तरह है तो वो 30,800 से लेकर 30,750 तक होगा। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो हम कर रहे हैं कि हम क्या है कि एक इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे हैं, बाद में हम स्ट्रेटेजी उसमें ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी ऐड करेंगे। सो आपको लर्निंग करनी हो, कुछ जानना हो तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।